सरकारी खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण रविवार को इंद्री अनाज मंडी में धान की खरीद ना हो सकी, जिसको लेकर आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर रोष जताया। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है, जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं। मंडी में करीब 50,000 क्विंटल धान है, जबकि खरीददार कोई नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो संभव है कि आगे भी खरीद ना हो सके। इंद्री मंडी में डीएफएससी, हैफेड और स्टेट वेयर हाउस तीनों एजेंसी धान खरीद करेंगी। सभी एजेंसियों को सप्ताह में दो दो दिन अलॉट किए जाएंगे। रविवार का दिन कॉमन रखा गया है, मतलब इस दिन सामूहिक खरीद हो सकेगी। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज तीनों एजेंसियों के सेक्रेटरी साहब ने बुलाए थे, तीनों वेदा उसके एफर्ड और फूड सप्लाई वाले बुलाए थे। तीनों एजेंसियों के यहाँ पे इंस्पेक्टर आए थे, वो बोले हमें 100 क्विंटल खरीदनी है, तो 100 क्विंटल जीरी मंडी देने के लिए तैयार नहीं है। मंडी में कहीं 1,000 क्विंटल जीरी पड़ी है, तो ये कह रहे थे बारदाना भी तुम्हारा होगा, जिम्मेवारी भी तुम्हारी होगी, तो 38 से इनकार कर गए। तो उठाने वाला कोई हो नहीं है अभी सिस्टम में, कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, तो इसलिए खरीद हो ही नहीं सकती। कोई दाना नहीं किया, एक बोरी तो खरीद एजेंसियों की कमी रही जी, जिसकी वजह से खरीद नहीं हो पा रही। वो जिम्मेवारी लेने से भाग रहे हैं ना भाई, मान ली जो भी कोई खरीद करेंगे तो जिम्मेवारी तो उनकी है। आरती के तो सुक्का अपने उसमें नॉर्म्स में ले जी, 17 मोक्सर है जो भी है, सरकार की जो भी नॉर्म्स है उसमें जी खरीद दो हमारी। और क्या प्रॉब्लम है जी? जो खरीद एजेंसी है वो करे आड़ती से करे अपना बारदाना दो, हम आड़ती कहाँ से देंगे बारदाना? सरकार अपनी जीरी कैसे उठाए, जिमीदारों से डायरेक्ट ले ले, आड़तियों को क्या जरूरत है बीच में लेने की? फिर आड़ती क्यों सिरदर्दी लेंगे? इंस्पेक्टर कह रहे हैं भाई जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, क्यों होगी हमारी जिम्मेदारी? जब आप ले रहे हैं आप अपनी जिम्मेवारी से उठवाओ इसको, अगर कोई नहीं उठाएगा, 8 दिन नहीं उठाया, 4 दिन नहीं उठाया, आड़ती क्यों देंगे? आप जिम्मेदारों से डायरेक्ट ले लो, हमें कोई जरूरत नहीं है इस बात की, ना हम ऐसे खरीद करेंगे ना हम ऐसा काम करेंगे, इसलिए कोई खरीद नहीं। आज इन्होंने कही, आज कह रहे 50 क्विंटल लेंगे सिर्फ, क्यों लेंगे? यहाँ मतलब लड़ाई बजवानी है, लट बजवाना है जिमीदारों का? 50 क्विंटल लेगा, इतनी कई हज़ार बोरी मंडी में पड़ी है, क्या होगा इसका? सरकार की घोषणाओं का क्या फायदा है? जो झूठी घोषणाएं चल रही हैं, ये झूठे आश्वासन दे रही है, क्या इसका मतलब क्या है जब नीचे तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? ये तो मतलब यहाँ पर कल ही यहाँ पर एजिटेशन हो जाएगा, मतलब लड़ाई बजेगी, उसका फायदा क्या होगा? हम चाहते हैं भाई शांतिपूर्वक ये काम चले और इसको सब एकजुट होकर काम को निपटाएं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा है जिससे कोई शांतिपूर्वक काम हो सके। जिम्मेदार हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं, वो हमारे को बोल रहे हैं जब खरीद चालू हो क्यों नहीं खरीद करवाते, हम यहाँ दफ्तर में भी एजेंसियाँ जवाब दे रही है, हम क्या करें बताओ? आड़ती क्या करेगा? आड़ती ने उसको रख लिया, आड़ती कोई सिर पे उठाने से तो रहा है उसको, जब कोई कई कई दिन से पड़ी है। गेट पास ये नहीं काट रहे जो ना, उसको गेट पे रोकते, अगर गेट पे रोकते हैं वहाँ लड़ाई बजेगी, आड़ती क्या करेगा उस जीरी का? ये गेट पास काटने से ये जवाब दे रहे, कल को कह देंगे भी ये तो जीरी आई नहीं थी, अब ये तो फर्जी आ गई जीरी, हम क्या करेंगे उसका? अब तुरंत नोट नहीं करता कोई भी, 8-8 दिन हो गए जिम्मेदार बैठे, क्या बोलो इसका क्या इलाज है हमारे पास? आड़ती बिल्कुल परेशान है और जिम्मेदार भी बिल्कुल परेशान है, कल को ये लोग जमींदार लोग भी कल को सड़कों पे आएंगे, इसकी आड़ती क्या की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार जाने सरकार का काम जाने। कल भी खरीद होने की संभावना नहीं, ऐसी इस हालात में कोई खरीद होने की संभावना नहीं लगती, जब तक राइस मिलर मतलब साथ नहीं होंगे, उठाने वाले साथ नहीं होंगे, आड़ती ऐसे जीरी भी नहीं बेचेंगे, किसको देंगे जीरी? सरकार कहती है हम नहीं उठा सकते, सेलर वाले जो हैं राइस मिलर है वो कह रहे हैं हम हड़ताल पे, हम तो करते नहीं, हमारी पॉलिसी जब ये लागू नहीं करते हम क्यों उठाएं? तो अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? आड़ती कब तक अपने गले में डालेगा इसको? मंडी में तो पड़ी होगी 20-30 हज़ार क्विंटल तो होगी, होगी कम से कम 30,000-50,000 के नियर अबाउट होगी, 50 से कम नहीं होगा, इतनी जीरी मंडी में पड़ी है जो सूखी पड़ी है। अब कितने किसानों को बोला इन्होंने एक दिन में, कितने किसान लेके आए? कुछ नहीं बता रहे जी, कुछ भी कोई पता नहीं कितने आएंगे, कोई इनके पास कुछ नहीं है अभी, ये भी नहीं बताते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको नहीं बोल रखा, किसी को कोई सिस्टम कुछ नहीं पता, ये कह रहे हमारे को भी नहीं पता, जो अधिकारी मौके के आए ये कह रहे हमारे को ही नहीं पता, हमारे कोई ऐसे आदेश नहीं, हम क्या करें, ऊपर से ही आएगा। अब ये ऊपर वाला नहीं पता चल रहा जी, ऊपर से कहाँ से आएगा क्या होगा कुछ नहीं पता इसके बारे में, कोई व्यवस्था नहीं है और मतलब हालात ठीक नहीं है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है भाई, कृपा करके इसको तुरंत
हरकत में आकर के अफसरों को इनको लागू करवाए सारा सिस्टम, और ताकि यहाँ पर किसी तरह की बदअमनी ना फैले और किसान पहले ही दुखी हैं और यहाँ पर किसी तरह की गलत व्यवस्था ना पनपने पाए, इसका इलाज किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.